हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आपने जरूर रामायण पढ़े, सुने या देखे होंगे, और रामायण में लंकापति रावण के भाई कुंभकर्ण के बारे में भी आप थोड़ा बहुत जानते ही होंगे, जो 6 महीने लगातार सोता था और सिर्फ एक दिन के लिए उठता था और सब कुछ खा के फिर से सो जाता था। लेकिन आज आप जानेंगे इस कुंभकर्ण के बारे में कुछ ऐसी बातें जो आपने पहले कभी नहीं सुनी। नंबर 1, कुंभकर्ण एक ऐसा राक्षस था जो पूरी दुनिया को खा सकता था। कुंभकर्ण की खाने की क्षमता बहुत अधिक थी। ऐसा कहा जाता है कि जब वो एक दिन के लिए उठता था तो वो लंका का सब कुछ खा जाता था। श्राप से पहले भी कुंभकर्ण लाखों टनों का भोजन करता था, और इसीलिए भगवान ब्रह्मा और देवी सरस्वती चिंतित थे कि उसकी भूख पूरे ब्रह्मांड को निगल जाएगी। नंबर 2, कुंभकर्ण को सबसे शक्तिशाली राक्षस माना जाता था, यहाँ तक कि भगवान इंद्र भी उसे ईर्ष्या करते थे। जी हाँ दोस्तों, कुंभकर्ण को पूरे इंद्रलोक में कभी कोई हरा ही नहीं सका। उनकी शक्ति पूरे ब्रह्मांड में सबसे मजबूत मानी जाती थी, और यहाँ तक कि इंद्रदेव को भी ईर्ष्या थी कि उनकी इंद्र सेना उन्हें हरा नहीं पाएगी। इससे आप अंदाजा लगा लो कि कुंभकर्ण के पास कितनी शक्ति थी। नंबर 3, उनका भीम नामक एक पुत्र था। भीम का वध भगवान शिव ने किया था। भगवान शिव ने स्वयं को भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के रूप में उस स्थान पर प्रकट किया जहां उन्होंने कुंभकर्ण के पुत्र भीम को मारा था। नंबर 4, कुंभकर्ण ने सीता का अपहरण के लिए रावण का विरोध किया था। ये कुंभकर्ण ही था जिसने रावण से कहा था कि जगत जननी का अपहरण करने से वो कभी खुश नहीं होगा। उसने अपने भाई से अपने गलत कार्य के लिए भगवान राम से माफी मांगने को भी कहा था, लेकिन रावण ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। नंबर 5, वो एक दार्शनिक था। स्वयं नारद मुनि ने कुंभकर्ण को दर्शन शास्त्र का उपदेश दिया था, और वो उस समय का एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक भी था। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।